आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं, तो वो बात ये है कि उनका कहाँ पे बाइक को इधर रख दिए हैं। और गाइस छिंग टपक डम डम, जैसे घर से निकले हुए थे कि बहुत भयानक इधर बारिश कर दिया, एकदम खतरनाक, क्या ही कर रहे, बहुत भयानक बारिश दे दिया। सो देखते हैं बारिश शुरू। तो गाइस छोड़ने ही वाला था लेकिन और इसके उधर से बहुत भयानक आ गया। क्या साउंड सिस्टम दिखाते हैं, कंटिन्यू बने रहे हैं। और इस जगह पे है साउंड सिस्टम जो कि अभी बारिश दिया बहुत। सो इस जगह पे है सारा एम्पलीफायर और डीजे, पहले कुछ दूसरा जगह पे था लेकिन इसको फिर से इसी हो चुका है। तो सो अब उधर चलते हैं और दिखाते हैं आगे साइड से। और इधर गाइस लोगो के बाद फिर से पानी देने लगा था लेकिन ये बर्ड अभी फिर से छोड़ गया। बहुत बड़ा पिकअप में पूरा ले लेता है। और इधर सारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो इसके बाद रिस्पांस कैसा रहा है बताओ, रिस्पांस कैसा वाला? बहुत अच्छा था लेकिन बजने नहीं दे रहे, क्या ही करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से और एक हमारा न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि इधर बैक साइड में देख रहे हैं आप लोग, ये डीजे राजकुमार का गोडाउन है। और अभी हम आए हुए हैं इधर, तो इनका जो दुर्गा पूजा में कुछ अपडेट हम दिए नहीं हुए थे, तो दुर्गा पूजा में फाइनली इनका भी बुकिंग हुआ है जो कि पहले ही गया साउंड सिस्टम हम थोड़ा सा लेट में। सो इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ उनका लगा है सेटअप और कैसा क्या है, सारा चीज़ अपडेट मिलेगा इस वीडियो में। सो कंटिन्यू बने रहे हैं। बाकी भैया गए हैं रेडी होने के लिए, थोड़ा फ्रेश हो गए हैं क्योंकि सोए हुए थे और हम भी सोए हुए थे। बाकी चलिए कंटिन्यू बने रहे हैं, आप लोग को सारा चीज़ कवर करके दिखाएंगे। बाकी बैक साइड में आप लोग देख रहे हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर में रहिए। वो आते हैं फिर निकलते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे सारा चीज़। आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं, तो वो बात ये है कि उनका कहाँ पे मतलब किस जगह पे बुकिंग हुआ है और कहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। तो वो किता से थोड़ा आगे, उधर जोना से थोड़ा पीछे में बरवादा बोलते हैं, उसी जगह पे इनका बुकिंग हुआ है। सो वहीं पे अभी हम लोग जाएंगे। बाकी आए हैं फ्रेश होके, निकलेंगे उसके बाद। और बाकी बाइक को इधर रख दिए हैं और गाइस झिंग टपक डम डम। तो तब तक के लिए टेक केयर में रहिए, आप लोग को जल्द फिर मिलते हैं गाइस। A few moments later, जैसे घर से निकले हुए थे कि बहुत भयानक इधर बारिश कर दिया एकदम खतरनाक, और हम लोग फंस गए हैं। अभी का लोकेशन का बात करें तो नवाडी से थोड़ा आगे में फंस गए हैं। बाकी इधर है बाइक और देख नीचे बैठ रहे, क्या ही कर रहे, बहुत भयानक बारिश दे दिया। सो देखते हैं बारिश छूटता है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे और उससे कहाँ कैसा क्या है सारा चीज़ दिखाएंगे। सो कंटिन्यू बने रहें। तो गाइस छोड़ने ही वाला था लेकिन और स्पीड उधर से बहुत भयानक आ गया, क्या ही करे, फंस गए एकदम। इधर छोड़ ही रहा था लेकिन इधर से फिर आ गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और टाइम भी ख़त्म ही होने लगा। देखते हैं क्या होता है, आगे शेयर करेंगे आप लोगों को सारा चीज़। बाकी आ ही गया, देख सकते हैं इधर छोड़। A few moments later, पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि बैक साइड में देख रहे हैं टेंट बना हुआ है और इतना ज़्यादा भींग गए, इतना ज़्यादा कि क्या ही बोलें। और एक जगह पे बांध लिया, तो सारा चीज़ आप लोगों को शेयर किया गया। बाकी इधर बहुत भयानक रोड सर्किट इनका लगा हुआ है और इधर टेंट का देख सकते हैं, ट्रक्स का भी बना हुआ है। बाकी इधर एक स्टेज जैसा कुछ और उधर लगा हुआ है डीजे सब, तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाएंगे। सो कंटिन्यू बने रहे, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे। और टेस्टिंग भी अभी थोड़ा सा होगा जो कि हम वो चीज़ उन ऑपरेटर को बोल के रखे थे जो कि नरेश है यहाँ पे। सो कंटिन्यू बने रहे, सारा चीज़ कवर करके दिखाएं। बाकी इधर फिर से एक बार, और उस साइड रखा हुआ है डीजे भी अपना है इनका। सो कंटिन्यू बने रहे, आगे दिखाते हैं साउंड सिस्टम दिखाते हैं, कंटिन्यू बने रहे। और इस जगह पे है साउंड सिस्टम जो कि अभी बारिश दिया बहुत भयानक, तो इस जगह पे रख दिए और ढक दिए। बाकी ऑपरेटर यहाँ पे क्या करे। सो इस जगह पे हम लोग कुछ कुछ लाए तो इस जगह पे रख दिए। बाकी एम्पलीफायर सबको बहुत ज़्यादा भिंगा दिया ना, यहाँ भीतर ही रहा। सो इस जगह पे सारा एम्पलीफायर और डीजे, पहले कुछ दूसरा जगह पे था लेकिन इसको फिर से ही सेट किए। और अभी तक टेस्टिंग हुआ नहीं है जो कि दूसरा जगह करके, तो अभी टेस्टिंग होगा। सो कंटिन्यू बना रहे हैं। बाकी इस जगह पे एम्पलीफायर सब एक बार दिखा लेते हैं। सो इधर एम्पलीफायर का कुछ कुछ काम बाकी है ना का, सो कुछ कुछ काम बाकी है, तो बैक साइड से दिखाते हैं और कितना पीस एम्पलीफायर लगा है। सो गाइस अच्छा खासा एम्पलीफायर लगा हुआ है जो कि चार पीस फोर के यहाँ पे है, बाकी चौंगा बजाने के लिए, चेप बजाने के लिए और कुछ कुछ के। और इधर एक ही स्टेबलाइजर और न्यू मिक्सर तो, बाकी इधर वायरिंग भी हो चुका है। तो सो अब उधर चलते हैं और दिखाते हैं आगे साइड से। और इधर गाइस लोगो आहा
लेट के बाद फिर से पानी देने लगा था, लेकिन फिर बर्ड अभी फिर से छूट गया। तो अभी कुछ कुछ वायरिंग का काम बाकी है, तो वह सब हो रहा है। डीजी का वायरिंग, और डीजी आप लोग को एक बार दिखाते हैं जो कि इस साइड में रखा हुआ है इनका अपना बरसाइट के भी का डीजी। और बाइक को कर दिए इस जगह पे खड़ा। सो ये रहा इनका जो बरसाइट के भी का डीजी है। बैटरी को ले गया, पानी दे रहा था इसी कारण से। बाकी कैसा लग रहा है? सबसे बड़ा बोला जाए तो हम लोग का एरिया में यही डीजी है, बहुत बड़ा, पिकअप में पूरा ले लेता है। और इधर कुछ कुछ कनेक्शन किए हुए हैं। सो कंटिन्यू बने रहें, आगे आप लोग को सारा चीज़ दिखाएंगे। गाइस मज़ा आ गया इसको देख के। जो कि कुछ दिन पहले एगो प्रशासन में दिक्कत हुआ था, तो ये सब चेंज कर दिए जो कि सेल्फ के लिए। और इधर देख सकते हैं कुछ कुछ चेंजिंग हुआ है डीजी में बाकी। और ये जो अल्टरनेटर था इनका पहले 30 kVA का था, लेकिन इसको चेंज करके बरसाइट कर दिए। सो इधर का कुछ वायरिंग जो कि इनका 3 फेज में निकल रहा है, जो कि एक फेज में 20 kVA करके 3 फेज में इनका कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी चलिए अब सेटअप का उधर जानकारी देते हैं। सो कंटिन्यू बने रहें, अच्छा से आप लोग को पूरा जानकारी देने का पूरा कोशिश करेंगे हम भी। सो फिर से पानी देने लगा, मौसम कर दरब एकदम ध्यान है, कैसे घर जाएंगे वो भी नहीं पता, देखते हैं क्या कुछ होता। बाकी इधर तो तिरपाल से ढका हुआ है। लगभग 1 घंटा के बाद हम लोग का जो कि था सारा वायरिंग का काम खत्म हो गया, तो इसके बाद होगा डीजी स्टार्ट, और देखते हैं कितना लेट में टेस्टिंग होता है। और जो कि हम कुछ कुछ गाना कोरम से डाउनलोड किए हुए हैं, वही गाना सब बजेगा जो कि न्यू है, स्पेशली सार्जन भैया के लिए गाना सब मिक्सिंग किया गया है। बाकी इधर एम्पलीफायर सब दिखाते हैं आप लोग को, जो कि तिरपाल अभी हट गया। तो सबसे पहले आ जाता है इक्वलाइजर, उसके बाद DA20, फिर 500, 700 और नीचे वाला सब 4K है, जो कि अभी स्टीयरिंग करती हैं राज डीजे करके। और मिक्सर इधर रहा कितना, 7 चैनल को, 7 चैनल का, और एक स्टेबलाइजर है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। और अब बॉक्स का उधर जाके दिखाते हैं, उसको भी तिरपाल भी हटाएंगे, बाकी बैटरी को ले जाके उधर डीजी स्टार्ट होगा। सो कंटिन्यू बने। सो अभी घूंघट ढका हुआ है, इसको उठाएंगे थोड़ी लेट के बाद, और इधर होता है डीजी स्टार्ट। सो कंटिन्यू बने रहें। डीजी का जो बैटरी है सेल्फ लगाने के लिए, इसको भी लगा रहे हैं। इट इन नॉट और हो अपना वो दिन का नाम दो रहा है अरे रो 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 हमारे की बैटरी को अब इधर से हटा देंगे। और इधर देख सकते हैं क्राउड, भयानक क्राउड, एक बार हाई करो तो सबको हाई कर दिए गाइस। सो अब चलते हैं इधर और देखते हैं टेस्टिंग रिस्पांस कैसा रहता है सेटअप का। सो कंटिन्यू बने रहे। तिरपाल को हटाया जा रहा है जो कि घूंघट बोला जाए तो, बाकी दिखाते हैं कैसा लुक है और कितना पीस लगा हुआ है जो कि नरे से ऊपर में। सो गाइस लुक एट दिस, जो कि 8 पीस सार्जन वाला सब लगा हुआ है और एक है HF, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं इस सेटअप का रिस्पांस देखते हैं कैसा रहता है। और इधर पीछे में जो कि दिल गार्डन होने वाला, और सारा कनेक्शन का काम भी इधर हो गया है। सो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। सो लुक एट दिस, भी इधर सारा एम्पलीफायर को एक एक करके ऑन करेंगे, उसके बाद इधर रहा सिस्टम, उधर रहा DG। सो जस्ट नाउ साउंड टेस्ट। इधर कुछ फॉल्ट था तो उसको भी ठीक कर लिए, जो कि लाइट आ गया। सो अब कंटिन्यू बने रहे, दिखाते हैं। सारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, तो इसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है, जो कि इधर बजा रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। सो कंटिन्यू बने रहे। सो इधर डीजे के इधर आके आप लोग को वक्रतुंड महाकाय सूर्य
सर्वकार्येषु सर्वदा पब्लिक आके मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट है और जो लॉन्ग थ्रू बेस है वो खतरनाक है, इसी कारण से आके डीजे को बंद करवा दिए। सो इसके बाद और एक सॉन्ग में टेस्ट होगा, सो कंटिन्यू बने रहे, देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है और कमेंट कीजिएगा कैसा रिस्पांस रहा, जो कि एक बार प्ले हो गया। पब्लिक आके बंद करवा दिए, फिर से नहीं बजने देंगे इन लोग, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बजने ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं ये सिस्टम क्यों लाए हैं, हमको तो अजीब लग रहा है, हम भी फर्स्ट टाइम, खतरनाक। लेकिन रिस्पांस एक नंबर रहा, आगे बात करते हैं आप लोग के साथ। सो इधर रहा सेटअप, थोड़ा सा ब्रेक। रिस्पांस कैसा रहा, अरे बताओ रिस्पांस कैसा रहा? एकदम अच्छा, मस्त लगाना, एकदम भयानक वाला, बहुत अच्छा था। लेकिन बजने नहीं दे रहे, क्या ही कर, हम लोग गाँव का आदमी क्यों बजने दे रहा है, क्योंकि बच्चों का कान पर्दा फटने वाले, इसीलिए बजने नहीं दे रहा इसी कारण से। सो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे आप लोग को सारा चीज शेयर किया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट। A few moments later, आप लोग को पब्लिक का भी रिएक्शन सुना लिया, तो आप वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और मेरा राय बोलेंगे तो मेरा खतरनाक ही रहा रिस्पांस, जो होना चाहिए दिल से लगा हमको, और गाना जो हमने इसको दिए हुए थे वो भी मस्त लगा एकदम। और एक गाना था लेकिन वो बजने नहीं दिया, पब्लिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी इसी कारण से। तो आप बाकी वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते, इन लोग इधर कुछ काम कर रहे हैं, जो कि तार उर का कुछ काम कर रहे हैं वायरिंग का,
तो सारा चीज़ आप लोगों को दिखाई दिया, फिर रिस्पॉन्स के सर आप कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लोग के लिए टेक केयर में रहिए, जल्दी नहीं आएगा जो कि हंटर भैया का कल को पिक्चर जाना है और रॉयल भैया का भी है जो कि अपडेट दिए हुए हैं मेरा चैनल के माध्यम से। तो आप वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाने करते हैं, करते हैं और कमेंट कीजिएगा कैसा रहा। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।